जैसा कि आपको पता ही है कि एमजी मोटर इंडिया में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी 27 जनवरी को लॉन्च करने वाली है, लेकिन अब इस क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक एसयूवी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने बुकिंग के मामले में महिंद्रा, टाटा मोटर्स और ह्यूंडई को भी पीछे छोड़ दिया है। तो पिछले साल दिसंबर में एमजी ने अपनी पहली क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक एसयूवी एमजी ZS इलेक्ट्रिक से पर्दा उठाया था और एमजी मोटर्स ने ZS इलेक्ट्रिक का बुकिंग अमाउंट 50,000 रुपए रखा था और इसकी बुकिंग 17 जनवरी को मिडनाइट को क्लोज कर दी गई थी, जो 21 दिसंबर को शुरू हुई थी। कंपनी का कहना है कि इस दौरान उसकी इस कार को ग्राहकों ने अपनी रुचि दिखाते हुए 2300 से ज्यादा यूनिट की बुकिंग की है। एमजी का दावा है कि उसने महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और ह्यूंडई की इलेक्ट्रिक कारों की कुल बिक्री को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अगर हम 2019 में इलेक्ट्रिक एसयूवी के सेल्स फिगर पर नजर डालें तो पिछले साल महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक कार की 1049 यूनिट, टाटा ने टिगोर इलेक्ट्रिक की 728 यूनिट और ह्यूंडई ने कोला की 292 यूनिट की बिक्री की। कुल मिलाकर इन तीनों कंपनियों ने कुल 2069 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की थी। एमजी का कहना है कि 17 दिसंबर तक जिन लोगों ने उनकी कार की बुकिंग की है उन्हें ये कार एक स्पेशल डिस्काउंट पर बेची जाएगी, जिसके बाद से इसकी कीमतों में फेरबदल कर दिया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में यूरोप में क्रैश रेटिंग में एमजी ZS इलेक्ट्रिक कार ने 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। एमजी ने माना है कि यही मॉडल इंडियन मार्केट में भी लॉन्च किया जाना है और यूरो NCAP क्रैश टेस्ट में अडल्ट ऑक्यूपेसी प्रोटेक्शन में एमजी ZS इलेक्ट्रिक ने 90% का स्कोर हासिल किया था। इसके तहत आगे बैठे को ड्राइवर और ड्राइवर के लिए यह सेफ्टी काफी है। वहीं यूरो NCAP ने पुष्टि की कि टेस्टिंग में कार के बेस मॉडल को यूज किया गया था। तो लॉन्च के बाद एमजी ZS इलेक्ट्रिक की कड़ी टक्कर ह्यूंडई कोना से होनी है और ये कोना से लेंथ में लंबी भी है। एमजी ZS इलेक्ट्रिक को दो वेरिएंट एक्सक्लूसिव और एक्साइट में लॉन्च किया जाएगा। इसके एक्सक्लूसिव वेरिएंट में R17 इंच अलॉय व्हील्स, LED DRL, क्रोम एक्सटीरियर ट्रिम, इंटीग्रेटेड इंटीरियर के साथ बॉडी कलर ORVM मिलेंगे। वहीं इसमें लेदर अपहोल्स्ट्री, 18 टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ iSmart 2.0, कनेक्ट कार टेक्नोलॉजी, 6 स्पीकर, ऑटो हेडलैम्प्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। वहीं इसके एक्साइट वेरिएंट में लेदर अपहोल्स्ट्री, बटन स्टार्ट, ड्यूल पैनल सनरूफ, क्रोम डोर हैंडल्स, PM2.5 एयर फिल्टर, पावर ड्राइवर सीट, रेन सेंसिंग वाइपर, पावर फोल्डिंग मिरर्स, iSmart 2.0, कनेक्ट कार टेक्नोलॉजी और हीटेड मिरर्स मिलेंगे। एमजी ZS इलेक्ट्रिक एसयूवी में 44.5 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा, जो 143 PS की पावर और 350 Nm का टॉर्क देगा। एमजी मोटर का दावा है कि यह बैटरी मात्र 40 मिनट्स में 50 किलोवाट DC के फास्ट चार्जर से 80% तक चार्ज हो जाएगी। वहीं 7 किलोवाट चार्जर से यह चार्जिंग में 7 घंटे का वक्त लेगी। फुल बैटरी चार्जिंग पर एमजी ZS इलेक्ट्रिक एसयूवी 340 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वहीं यह 0 से 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार मात्र 8.5 सेकंड में पकड़ सकती है, जबकि इसकी मेन राइवल ह्यूंडई कोना को 9 सेकंड में यह रफ्तार पकड़ने में समय लगता है। एमजी की इलेक्ट्रिक एसयूवी इस महीने 27 जनवरी को लॉन्च होने जा रही है और इसकी कीमत 20 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। शुरुआत में यह कार दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और अहमदाबाद में ही अवेलेबल होगी। साथ ही ऑटो एक्सपो में इसे शोकेस किया जाएगा। अगर इंडिया के कुछ और इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा ई-वेरिटो और E20 इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स के टिगोर इलेक्ट्रिक और ह्यूंडई की कोना एसयूवी आ जाती है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपका इस कार या किसी और कार से जुड़ा कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स या पर्सनली इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।